तो यहाँ पर मेरा छोटा सा प्याला जो गोल गप्पा सो रहा है, इसकी सुबह तो अभी तक नहीं हुई एंड इसका सोने का भी टाइमिंग पता बिल्कुल सिवाय जैसा है। अभी ये मेरे साथ सो रहा है ना, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये मेरा दूसरा बेबी नहीं, फर्स्ट बेबी हो। सिवाय भी बिल्कुल इसके जैसा था, रात को ना 1% भी परेशान नहीं करता, इतना ज्यादा शांत स्वभाव का है। बस अब देखते हैं कि जब बड़ा हो जाता है तब ये क्या करता है, क्योंकि अभी सिवाय बड़े होने के बाद इतनी बदमाशी करता है ना, आप देखते देखते आपकी आंखें थक जाएगी, बट सिवाय की बदमाशी नहीं रुकने वाली। एंड लास्ट व्लॉग में तो मैंने आप लोग को बताया था कि आज हम अपने घर पे ना पंडित जी को बुलाएंगे नामकरण का डेट निकलवाने के लिए, क्योंकि यार जब तक नाम नहीं निकल जाता ना तब तक ना मैं इस रूम से बाहर जा सकती हूँ ना मेरा बेबी। एंड इस रूम में परे परे ना यार सच में बहुत ज्यादा बोरिंग वाली फीलिंग होती है। अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने संपत चाची का, जो मतलब मालिश करने के लिए आती है ना। इधर क्या होता है, जैसे मम्मा बेबी डिलीवरी हो जाता है ना, मतलब बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तो उसके बाद ना बॉडी बहुत ज्यादा लूज लूज हो जाती है। एंड डिलीवरी से पहले पेट में दर्द, कमर में दर्द, पूरी बॉडी में पेन रहता है ना, तो डिलीवरी के बाद वो सब मांसपेशी जो होता है ना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो इसलिए ना इधर 1.5-2 महीने का ना मालिश दिया जाता है बच्चे को भी और बच्चे के माँ को भी, तो बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तभी तो हम वेट करें कि संपत चाची आए, उनसे मैं मस्त वाला मालिश करवाऊंगी अपना, देन उसके बाद मेरे छोटे बेबी का मालिश होगा। अभी तो यहाँ पर मेरा गोलगप्पा आराम से सो रहा है। मेरे को पता है कि आप लोग को बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि आवारी मैम अपने छोटे बेबी का फेस कब दिखाएगी कब दिखाएगी, तो ज्यादा टाइम आप लोग को वेट नहीं करवाऊंगी, बस नामकरण का डेट निकल जाए फिर आप लोग को बस उसका फेस रिवील करूंगी। इधर जीजू और सिवाय खेल रहा है बैट बॉल लेकिन इसको मतलब भी नहीं है क्रिकेट खेलने से, ये देखो गई 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 नाली में गई है। तो सिवाय लाओ बॉल, लाओ जाओ अपनी, लो पकड़ो, ये ले इससे खेल ले, ये ले गुब्बारा से खेल ले, बॉल पकड़ो, इसको छेड़ना ही होता है हर चीज में। ये ले बॉल ले, ये ले सिवाय, ये लो फोड़ दे, ये ले फोड़ दे इसको, फोड़ दे, ले फोड़ दे, फोड़ो इसको, ऐसे जोर से, ऐसे ऐसे कर दो, जोर से ऐसे कर दो, पिंच दो इसको जोर से, सिर्फ हाथ से ऐसे ऐसे कर दो इसको, ऐसे कर दो, नोज दो इसको, आ गया काल है तेरे, एक और ये ले, लकड़ी मिल गई, इसको क्या करूं, इसे फोड़ दो, इसे देखो फूटता है, इसे ले फोड़ो, इसे ये पकड़ो, चुबा दो इसको, चुबा दो इसको, फट गई। फाइनली इतने टाइम से जिसका वेट कर इतना संपत चाची का, वो आ गई है। अब यहाँ पर लगी पड़ी है सबसे पहले मेरे बाबू का मालिश करने में। मेरा बाबू इतना ज्यादा खुश हो रहा है ना अपना मालिश करवा करके। मेरे बाबू को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों से थका हुआ है और आज जाकर के इसकी थकान मिट रही है। मेरे को लग रहा है आज मालिश करवा करके ना मस्त ये पूरे दिन सोएगा। गाइस बस पंडित जी हम लोग के घर आने वाले हैं एंड आज अपन को ये भी पता लग जाएगा सबको कि नामकरण कौन सी तारीख को होने वाला है, मतलब किस पे नाम निकलेगा, वो भी ये जो अक्षर रहता है ना पहला अक्षर वो बता देंगे ये। तो देखते हैं गाइस यार पंडित जी आ जाए बस एक बार ही, और कब का नाम निकलता है सब कुछ आप लोगों को भी पता लग जाएगा। आज तांबे का है ये, सिवाय तो चांदी का था, इसका इसका नाम खैर पे निकला था, ठीक है, लेकिन है ना हम लोगों को खैर पे कुछ भी समझ नहीं आया, इसका नाम सिवाय रख दिया। तांबे का पाया है वो सेकंड अच्छा रहता है, सबसे अच्छा चांदी का, दूसरा तांबे का सबसे अच्छा, बहुत अच्छा है। ओ गिर गया, फिर से गिर गया, बहुत ज्यादा गिर रहा है आजकल, जोर से दौड़ेगा तो गिरेगा ही ये तो। धीरे धीरे आ जाओ, धीरे धीरे। एक 23 तारीख का 23 मार्च का बनता है दूज गुरुवार, ये भी अच्छा है। 23 मार्च को बेस्ट कौन सा, 23 या 31 को ठीक लग रही है, और करना भी मामा जी चूड़ा को बैठ रही है आपने तो। हाँ तो नाम 9-10 हो रही होती है, 9-10 आपका निकला था ना, वैसे बाबू का भी निकला। पंडित जी तो भी गए गाइस एंड सारी डिटेल्स वो जो है ना इस पे रख के चले गए हैं, एक अपने पास तारीख है 23 और एक 31 तारीख यहाँ पे जो नीचे नीचे लिखी है, ठीक है। और गाइज यार र अक्षर पे नाम निकला है तो आप लोग सजेस्ट करो कमेंट में कि क्या नाम रख सकते हैं। सो गाइज मेरे बच्चे का नाम ना रा से पड़ा है, कि इसका नाम जो है मुझे रॉ से रखना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसका नाम क्या रखना है। बट फिलहाल मैं अपने बच्चे से पूछती हूँ किसे कौन सा नाम रखवाना है ना, बताओ कौन सा नाम रखवाना है। अभी शक्ल दिखा दे सबको, तू मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, अभी नहीं बताना, अपना शक्ल ही दिखाना किसी को, तेरा शक्ल दिखाएंगे, थोड़ा सा सबर करने दो लोगों को तेरा शक्ल देखने के लिए।
थोड़ा सा तो सस्पेंस लाओ, यूट्यूबर का बेटा है तो यूट्यूबर का। एक छोटा वाला तो हमारे पास पहले से था, दूसरा तू आ गया। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से छोटे आवारा को ज्यादा प्यार करें। वैसे आप लोग बताओ आपको कौन सा ज्यादा पसंद है। ऐसे आपने छोटे आवारा का तो आपने एक्टिंग देख लिया, दूसरे का एक्टिंग बस थोड़े दिन और वेट कर लो, उसका भी एक्टिंग देखने को मिल जाएगा। फिर आप बताना आपको छोटा आवारा पसंद आया या फिर छोटा आवारा 2.0। पहले को सोकर जगह लग रहा, कितने छोले काम करके जगह मेरे बेटे, कितना चला काम करके जगह, कितना चला कितना चला। भाई के गोद में आते चुप हो गए, प्यार कर दिया इसने। इतनी देर से रो रहा था ये और इसके गोद में आते प्यार करते चुप हो गए, तुरंत सो गया। भाई तो इसी का है। एक बच्चा है ना गाइस हम लोग के लिए, तो हम लोग के घर पे, तो ये ना बेबी के लिए कुछ टॉयज लेके आया। देखते हैं गाइस कैसे टॉयज है, दिखाओ मेरे को, आप ही दिखाओ। नाइस गाइस, देखो बेबी के लिए टॉयज लेके आए गए। आपको पता कैसे लगा वैसे कि हम लोग घर आ गए? अच्छा ब्लॉग देखते हो, हमारी मैम के ब्लॉग देखते हो? अरे नाइस, बहुत अच्छी बात है। और आते आते इसने सारे टॉयज ले लिए मेरे से, पता नहीं उस बेबी को तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट ये पहले ले लेगा सब कुछ। शिवा आपके लिए नहीं है, छोटा बेबी के लिए लेके आए भैया, छोटे बेबी के लिए। ये छोटे बेबी के लिए आपके नहीं है? आपके नहीं है शिवा। नहीं देखा आप तो इसी के, अब तो ये हक जमाने लग गया सब पे। छोटा बेबी का शिवाय शिवाय आप हक कैसे जमा सकते हो उसके टॉयज पे? क्यों? अच्छा कौन लेके आया बताओ, कौन लेके आया ये बताओ, कौन लेके आया? अच्छा कौन, किसने दिया ये आपको बताओ, किसने गिफ्ट दिया आपको बताओ, बताओ। भैया ने, देखो भैया इधर, देखो भैया इसको तो खोल लेके आया भैया, लेके आया कौन, लेके आया? थैंक यू बोलो भैया को, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोलो भैया को। गाइस पता, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, ठीक है, उसके बाद से सिवाय तो मेरे साइड देखता ही नहीं है। इसे अब मेरे से कोई लेना देनी है ना, मेरे पास आता है ना मेरे पास, मतलब मैं जब बुलाती हूँ ना कि आजा सिवाय मेरे पास आजा, हाँ दूर से ही भाग जाता है मेरे को देख करके। चलो पहले आप लोग सारे बताओ ड्रेस कोड क्या रखेंगे अपन, उसको ड्रेस कोड नहीं, सबसे पहले ये बताओ कि डेट कौन सा है। तारीख तो डिसाइड होगी ना, 23 सबको बता, पंडित जी ने दो बताई है कौन सा करना है, फिक्स कर दी भाई 23 मार्च फिक्स है। अच्छा बताओ तो ड्रेस कोड, आप सब बताओ फिर मैं बताऊंगा लास्ट में। मेरे से और अगर दीदी से पूछो तो हम दोनों का पिंकी है। हम लोग थोड़ी पहनेंगे पिंक। अरे तो क्या प्रॉब्लम है पिंक में, कभी तो पिंक पहन लिया करो। मम्मी और इस पे तीन पे सेट होगा भाई, पिंक और किसी पे नहीं। मैं तो ब्लू और व्हाइट का सोच रहा हूँ। कैसा है ब्लू और व्हाइट, ये भी सही है, हम लोग ठीक है, लेकिन थीम मैच नहीं हो रही नामकरण के साथ। तो फिर येलो, येलो और व्हाइट, येलो और व्हाइट रख सकते हैं। नहीं येलो व्हाइट तो वैसे भी हर कोई पूजा में पहनते, कुछ अलग रखो, यूनिक रखो। सोचा येलो व्हाइट है तो अच्छा। मम्मी तू बता पीला कलर और सफेद कलर का कैसा रहेगा, नीला कलर? मम्मा मेरे फोन में बिजी हो रखी है, बताओ जल्दी बताओ। अब आप पीला कलर का चौड़ा, हाँ व्हाइट कलर का पजामा, वैसे भी है ना नाम के ऊपर पीला ही चलता है। मैं बताऊं क्यों? नहीं 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 बिल्कुल, क्या रीजन है इसका मैं बताऊं। हाँ लड़का होता है ना, हाँ तो लड़के की नानी है ना, हाँ पियर से, हाँ लड़के की मम्मी की पीले रंग की साड़ी लेके आती है। अच्छा, और लड़के का भी पीले रंग का कपड़ा आता है। हाँ समझ गई, तो इसलिए पीला चोला व्हाइट पजामा। हाँ ये ठीक है, लेकिन फिर तो हल्दी बताओ। येलो कलर, येलो चोला जो होता है ना एकदम, ठीक है एकदम येलोइश नहीं होता है, ठीक है मतलब एकदम येलो येलो नहीं करता। हाँ हाँ। हल्का सा उसका मतलब एकदम कैसे बताऊँ, मैं बता दूंगा मतलब दिखा सकता हूँ, ऐसा बता नहीं सकता। हाँ। येलो में कुछ व्हाइट का कुछ लगा देंगे, ठीक है उसमें ना ऐसा राधे राधे जैसा लिखा रहता है ना। हाँ। वो लिखा हो सब पे, और ऐसा या तो मतलब वो क्या बोलते हैं धोती टाइप, या तो फिर दीदी पक्का देख लियो तू, हल्दी रस्म वाली फील देगी तू, देख लियो। हाँ तो वो तो हल्दी का ही होगा, देनी जरूरी है दीदी को, तो लड़का हुआ है तो वो ही हो गया। सी कान्हा जी ने जन्म लिया है तो कान्हा जी की मम्मी पीला ही तो पहनेगी। अरे मम्मी तो पहन लेगी फिर, हम लोग सब पीला पहनेंगे सब, वो तो फिर आप लोग सब एक जैसा ही पहनोगे, या फिर एक काम करो लेडीज लेडीज तो पीला और जेंट्स का नहीं नहीं सब एक ही नहीं सब एक जैसा ही एक जैसा रखेंगे। हाँ कॉम्बिनेशन तो एक जैसा ही होगा। एक काम करेंगे ब्लू और व्हाइट, येलो और व्हाइट देखेंगे ज्यादा बेस्ट कौन सा लगता है देखने में, ठीक है ऐसा अपन तो बात कर रहे हैं ना। हाँ। ऐसा गूगल पे देखेंगे कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा, बाकी आप लोग कमेंट में बताया करो गाइस यार किस टाइप का पहन सकते। देखो कुर्ते पजामे ना हम लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत कम पहने, व्हाइट कलर के पहने हैं
तो आप लोग कमेंट में बताओ हम लोग को कि कैसा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगेगा नामकरण पे, पूरी फैमिली का, सारे फैमिली मेंबर्स जितने भी है सब एक ही कलर कोड का यूज करेंगे।